हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार के डिवोटिस बहुत ज़्यादा होंगे। आज की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जितने उनके अगेंस्ट जाएंगे तो इतने नंबर कुछ ना कुछ अच्छे ही नंबर होंगे जो उनके डिवोटिस के नंबर होंगे, क्योंकि आज लोग कोरोना के बाद स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लिए हैं अपने जीवन में, स्पिरिचुअल बनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। झगड़े फसाद तो हो रहे हैं, कल की अवतार को लेकर भी उनकी बातें लोगों की समझ में नहीं आएंगी, उनके एनिमीज भी बहुत होंगे, लेकिन उनके डिवोटीज की संख्या भी कम नहीं होगी। लेकिन उनमें से सच्चे भक्त कितने होंगे, क्योंकि भक्त तो अपने आप को हर कोई मान लेता है, हर कोई माला फेरता है, हर कोई मंदिर जाता है, लेकिन माला फेरते समय और ईश्वर की भक्ति करते समय हम मेंटली कितने अच्छी तरह जुड़ पाते हैं ये मायने रखता है। तो हमारे हृदय की पवित्रता, हम कितने प्योर हैं, ये ऊपर वाले से छिपा हुआ नहीं रहता। तो कल की अवतार के भक्त तो बहुत सारे हो जाएंगे नंबर्स, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने भक्त ऐसे भी होंगे जो कल की अवतार को बहुत प्रिय होंगे, जिस प्रकार की शबरी राम जी को प्रिय थी और भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान। विष्णु भगवान ने जब भक्त प्रहलाद की भक्ति देखी अपनी चरम सीमा पर, तब वो प्रकट हुए नरसिंह अवतार के रूप में। तो क्या कल की अवतार भी जो राम और कृष्ण के भक्त हैं, आज की दुनिया में राम जी को मानने वाले भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर बन गया तब से बहुत लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बहुतों ने दर्शन कर भी लिया और बहुत लोग इच्छुक भी हैं। तो राम जी को मानने वाले, उनसे स्नेह करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति में भी पूरा वृंदावन, मथुरा, गोकुल डूबा रहता है। तो राम और कृष्ण इतने पॉपुलर चेहरे जो आज भी लोग भुलाए नहीं भूलते। क्या कल की अवतार अपने डिवोटीज को, जो उनके सच्चे भक्त होंगे, जो प्योर सोल्स वाले उनके डिवोटीज होंगे, क्या उन्हें वो राम और कृष्ण की तरह भी दिखलाई पड़ेंगे, या सिर्फ और सिर्फ कल्कि के रूप में ही भक्तों को वो दर्शन देंगे? अब मेरे यही वीडियो का टॉपिक, जो बहुत पहले एक व्यूअर ने लिख कर भेजा था, मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता है कि आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियोस बनाऊं, जब टाइम मिल जाता है तो मैं बना लेती हूं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट, उनका जो रिक्वेस्ट था मैं वीडियो बना नहीं पाई, अब जाकर मुझे लगा उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर देनी चाहिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में कल की अवतार को लेकर जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो मैं क्लियर कर सकूं अपने लेवल पर। राम और कृष्ण कल की अवतार के रूप में, मैंने आपसे कहा है राम और कृष्ण की जो एनर्जी होगी वो कल की अवतार में समाहित होगी, यानी जुड़ी हुई रहेगी। राम बनकर वो किससे मिलेंगे? मां रमा से। कल की बनकर नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम जी ने वादा किया था शादी का, तो जब वो मां रमा से मिलेंगे तो बिल्कुल राम के रूप में ही मिलेंगे। अवतार में वो ताकत होती है कि वो किसी भी रूप को किसी भी समय कहीं पर किसी भी स्थान पर धारण कर सकते हैं और किसी भी रूप में किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं। तो कल की अवतार को भी इसी पावर का फायदा मिलेगा, क्योंकि वो मानव अवतार है, वो देखेंगे कि कौन उन्हें राम के रूप में देखना चाह रहा है और कौन उन्हें श्री कृष्ण के रूप में देखना चाह रहा है। तो जो श्री कृष्ण के भक्त होंगे, सच्चे भक्त जो जुड़े रहेंगे, जो श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करते हैं, लाख परेशानियों के बावजूद उनकी भक्ति में कुछ कमी नहीं आती है, बिल्कुल
कल्कि अवतार उन्हें दर्शन देंगे कृष्ण कल्कि के रूप में। और जो लोग राम भक्त हैं, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, जो लोग राम जी के दर्शन आज भी पाना चाहते हैं, उन भक्तों को कल्कि भगवान राम कल्कि के रूप में दर्शन देंगे। तो कृष्ण कल्कि राम कल्कि, यानी कल्कि अवतार तो रहेंगे लेकिन कल्कि अवतार में उन भक्तों को राम की छवि भी नजर आएगी और जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें कृष्ण की छवि नजर आएगी। हम जिस रूप की कामना करते हैं हमें वही रूप अपने ईश्वरीय अवतार में नजर आ जाता है। एक्चुअल में, वास्तव में कल्कि अवतार कैसे हैं ये जानना सभी के लिए एक टफ वर्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। जब कृष्ण जी यहाँ से चले गए और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कृष्ण का असली चेहरा जो सबके सामने था वो नहीं था, वो सिर्फ राधा ने देखा क्योंकि वो कृष्णमय थी। तो उसी प्रकार कल्कि अवतार का असली चेहरा उनके माँ बाप ही देख पाएंगे, बाकी लोग जिस रूप में उनकी भक्ति करना चाहें, उनसे जुड़ना चाहें, उनकी पूजा करना चाहें, उसी रूप में कल्कि अवतार अपने भक्तों को दर्शन दे देंगे। क्योंकि उन्हें भक्त से नहीं लेकिन भक्त की भक्ति कितनी है ये उन्हें देखना है, जांचना परखना है। ईश्वर कभी भी भक्त से उनको मतलब नहीं है। भक्त किस जाति का है, किस धर्म का है, कैसी पर्सनालिटी है, कितना पैसे वाला है, कितना गरीब है, नहीं, वो भावना को देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हम ईश्वर को अपनी भावना के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। तो अगर हम भी जुड़ जाते हैं कल्कि अवतार के साथ और हमारे मन में राम की भावना है, हम राम भक्त हैं, अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो हमको भी कल्कि अवतार में राम की भी छवि नजर आएगी और यदि कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण की भी छवि नजर आएगी। तो राम कल्कि कहिए, कृष्ण कल्कि कहिए या कल्कि अवतार कहिए, बात तो एक ही है। कभी वो बनेंगे राम, कभी वो बनेंगे कृष्ण, और कभी बनेंगे कल्कि, और कभी वो लड़ाई करेंगे कली राक्षस जैसे योद्धाओं से, कली राक्षस जैसे दुष्टों से, क्योंकि दुष्टता से और गंदे लोगों से इस धरा को मुक्त करना है। तो आपकी भक्ति किससे जुड़ना चाहती है, आप किस रूप में जुड़ना चाहते हैं कल्कि अवतार से जुड़ जाइए। यकीन मानिए कल्कि अवतार आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। लेकिन वही सवाल है फिर से मेरा कि क्या आपकी भक्ति सच्ची है, ये आपकी आत्मा ही आपको बतला सकती है, कोई दूसरा आपको नहीं बतला सकता, या तो ईश्वर या तो आपकी अपनी आत्मा कि आप कितने अच्छे और सच्चे और बड़े भक्त हैं कल्कि अवतार के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।